Assalamu alaikum everyone, this is me Wasif Ali Khan and welcome on my YouTube channel. This is vlog number 2. और ब्लॉग नंबर 2 में क्या होगा वो तो आपको आगे चल के पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन दबाइए ताकि आपको सब कुछ पता चल सके क्या अपडेट्स इस पे हो रही हैं. इसके अलावा आपने कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना, इसके अलावा तुम जो चाहते हो वो कर लो. एनीवेज जनाब, दो तरह की चीज़ें जो आज डिस्कस होंगी. एक सबसे पहले मौत, तो मौत के बारे में हम बात करेंगे. मौत बरहक है, लेकिन जिस मौत के बारे में हम बात करेंगे वो मौत है जो मुझे और शायद आपको भी या हम सबको पड़ती है कोई काम कर रहा हूँ. और मुझे जो काम करते हुए मौत पड़ती है वो एक काम है, सुबह सवेरे उठ के अपने कपड़े ब्रश करना. दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट वर्क फॉर मी. और आपका क्या है, आपका मुझे नहीं पता. लेकिन एक और चीज़ होती है, सर पकड़ के बैठना पड़ता है. इधर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इधर मैं बैठा हूँ और साथ ही मुझे आवाज़ आती है, अली बेटा दही ले आओ, दही ले आओ. अब बताएं क्या करूं भाई, मैंने पॉलर जाना है. इन्हें पॉलर जाना है, पॉलर छोड़ दूं. काश तुम लोगों की फुफ्फो होती. अब्बू को तो सिर्फ फुफ्फो की याद आती है. फुफ्फो का नाम लिया और फुफ्फो टपक आई सिर्फ ये पूछने के लिए, बेटा आपके ग्रेड्स कितने हैं. और हमेशा हर घर में लड़ाई फुफ्फो करवाती है. ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं होता. लेकिन मेरी तो कोई फुफ्फो नहीं है, अगर होती तो शायद मुझे भी इस बात का एहसास होता. एनीवेज आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये व्लॉग किस रिलेटेड है, लेकिन आपने पूरा देखना है और हमारे साथ रहना है. अब भाई अगर व्लॉग ही है, व्लॉग स्टार्ट कर लिया है तो को अच्छे से कपड़े पहनेंगे, क्या पता देखने वाली आंख हमें. एनीवेज हमने जनाब अभी कपड़े अपने लिए सबसे पहले सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद मौत पड़ेगी हमें, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, हमें उसको प्रेस करना है. और प्रेस करेंगे, कपड़े पहनेंगे और फिर शो करके जाएंगे. चल यार स्त्री करें तुझे, मेरे पास तो स्त्री टेबल भी नहीं है. अरे देखो तो सही, माँ कसम पहली बार इतने अच्छे स्त्री हुए. तो लो भाइयों, आपका भाई शोना मोना कुचू मुचू ये वो बन के आ गया, यानी कि तैयार हो गया माँ के. ब्लॉग के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि दो वजह से आज ब्लॉग बन रहा है. एक तो ये थी कि सुबह सवेरे उठ के काम करने की वजह से जो मौत पड़ती है वो हमने कर ली. और दूसरी वजह ये है कि अब एक दोस्त के पास जाना है तो वो ये कह रहा है कि आज रनिंग करने जाते हैं और एक बड़ी लेवल की जगह तुम्हें जहां मैं लेके जाऊंगा रनिंग करने. अब मुझे भी नहीं पता रनिंग करने की कौन सी जगह कहाँ पे वो लेके जा रहा है, तो चलते हैं फिर वहां पे बगैर इस भाषण दिए कि रनिंग बहुत अच्छी है सेहत के लिए, वॉक करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी. इस भाषण को दिए बगैर ही चलते हैं और चल के देखते हैं कि कौन सी जगह पे हमारा दोस्त हमें किधर लेके जा रहा है और आपको अपने दोस्त से भी मिलवाते हैं. आइए फिर चलते हैं. इतने मजे से गाड़ी चला रहा हूँ और ये क्या करने लगा है यार, देखो आगे क्या, दोबारा देखो, उफ अल्लाह कहाँ से बचे. प्लीज रोड पे चलते हुए एहतियात किया करें. यूं मुलाकात हुई एक दोस्त से और हम दोनों जा रहे हैं रनिंग करने. क्या खूबसूरत सूरज नजर आ रहा है. और ये मिलिए अब आप मेरे दोस्त से, ये हैं उस्मान भाई. उस्मान भाई की सेहत देखें, ये मेरे बाजू देखें और इनके देखें. इतने बड़े माशाल्लाह बोल देना आप लोगों ने, नज़र ना लगे. पीस अभी मैं आया हूँ यहाँ पे शालीमार ग्राउंड में, रनिंग का सेशन है, दोस्त हैं एक मेरे साथ और हम लोग यहाँ पे आए हैं. अभी आपको दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत है और मार्गला की पहाड़ियों के आगोश में
ये खूबसूरत ग्राउंड और इसमें रनिंग करने का अपना ही मजा है, आपको दिखाएंगे। करते हुए एक चीज तो समझ आइए और सीखिए कि जब भी आप ज़्यादा दूर तक चलना चाहते हो, ज़्यादा दूर तक जाना चाहते हो, तो किसी के साथ मिल के और साथ ले के किसी को चलो तो आप ज़्यादा दूर जा सकते हो, बजाय इसके कि हम अपनी अकेली इनफरादी सोच को लेके और ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहें। अच्छी सेहत और ज़िंदगी के लिए घड़ी और ऐनक काम नहीं आएगी, वॉक कीजिए और इसे अपना मामूल बनाइए। सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, अगले व्लॉग में मिलते हैं, ओके बाय।